राज्यपाल लालजी टंडन की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। मूलतः लखनऊ के निवासी लालजी टंडन लखनऊ के ही मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार सुबह सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें डॉक्टर्स ने दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया है। लालजी टंडन को बुखार और पेशाब की परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। 11 जून से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जांच के बाद पहले उनके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें तेज बुखार भी था। दवाओं के बाद उनकी हालत थोड़ी ठीक हुई, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजभवन का स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। हालांकि लालजी टंडन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है। इसके बाद उनके लिवर की भी जांच की गई, एक छोटा ऑपरेशन भी हुआ। इसके बाद सोमवार सुबह जब उनकी हालत फिर बिगड़ी तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक राज्यपाल की हालत फिलहाल चिंताजनक है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।